लास्ट टू वीक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर के लिए एक बुरे सपने की तरह गए हैं। बिटकॉइन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। बिटकॉइन ने अपने मेजर सपोर्ट लेवल 30,000 को भी ब्रेक किया एंड 27,000 को टच करने के बाद वहां से थोड़ा बाउंस बैक लिया है। अभी बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है $30,000 के ऊपर। लास्ट ईयर जुलाई के बाद से ये फर्स्ट टाइम है जब मार्केट ने $30,000 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। ओल्ड कॉइन का तो बिटकॉइन से भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। लूना कॉइन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है और सभी मेजर एक्सचेंजेस ने इसको डीलिस्ट कर दिया है। क्या मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है या फिर अभी और फॉल आएगा? इन सभी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट 10 डेज क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पेनफुल रहे हैं एंड बीयर्स ने पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिस वजह से बिटकॉइन की वैल्यू में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली है। $40,000 के प्राइस को ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन ने कहीं पर स्टॉप नहीं लिया और $27,000 तक गिरा। बिटकॉइन की इस गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है लूना कॉइन का क्रैश होना। 2 वीक पहले लूना कॉइन क्रिप्टो स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक था और आज लूना कॉइन ऑलमोस्ट सभी मेजर एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो चुका है। इस बात को कोई नहीं डिनाई कर सकता कि फंडामेंटली लूना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन था और इसकी गिनती भी टॉप 10 कॉइन में आती थी। लूना कॉइन में क्रैश की वजह से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला दिया है, जिसका इम्पैक्ट हमें पूरे क्रिप्टो स्पेस में देखने को मिला है। इसलिए बोला जाता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करके रखिए, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, शेयर हो या क्रिप्टो कॉइन, खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बात करते हैं क्या बिटकॉइन ने अपना बॉटम बना लिया है। बिटकॉइन के लिए 20,000 से $30,000 की जो ट्रेड रेंज है वो होल्ड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बिटकॉइन होल्ड करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। कल तो इसने इस रेंज को ब्रेक भी किया था, बट बिटकॉइन में वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और यहाँ से मार्केट 35,000 के प्राइस की तरफ मूव कर सकती है। RSI इंडिकेटर शो कर रहा है कि मार्केट राइट नाउ ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक आना जरूरी था। इसके अलावा 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज पर भी क्रॉसओवर बन रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। नेक्स्ट 1 से 2 वीक बिटकॉइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले है। अभी के लिए 30,000 का प्राइस शॉर्ट टर्म सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। अगर आप चार्ट पर देखोगे तो सपोर्ट रेंज को ब्रेक करने के बाद BTC का प्राइस जल्द ही 20,000 को टच कर सकता है। इसलिए मार्केट में सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट और कोई ट्रेड करिए। अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट पर फोकस करें तो मैंने अपनी लास्ट कई वीडियोस में आपको बताया था कि बिटकॉइन में 4 आवर चार्ट पर बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जैसे ही BTC ने इस फ्लैग को डाउन साइड ब्रेक किया, बिटकॉइन में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और वैसा ही हमें BTC के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन में फॉल आने के बाद ओल्डकॉइन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बट अभी बिटकॉइन रिकवरी कर रहा है तो इसके साथ साथ ओल्डकॉइन भी रिकवरी मोड में चल रहे हैं। XRP, इथेरियम, BNB ऑलमोस्ट सभी ओल्डकॉइन 50% से ज़्यादा राइज कर चुके हैं कल के लो से। क्रिप्टो इंडस्ट्री की टोटल मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और अभी टोटल मार्केट वैल्यू है $1.3 trillion के अराउंड। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।